ताला की तरफ से हमारी और एक कुदरती आफत आई है और हमारे जो लाखों के हिसाब से लोग इसमें बेघर हुए, परेशान हुए, हम उनके लिए एक फ्लड रिलीफ का एक बहुत बड़ा सिस्टम अलखदमत ओवरऑल ऑल पाकिस्तान कर रही है। जो एक कुदरती आफत पूरे पाकिस्तान पर बपा हुई है, अल्लाह ताला हम सबको इसमें मामून रखे। इस हवाले से भी अलखदमत की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान में बड़ी तहसीन की निगाहों से देखी जा रही हैं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये हमारी बड़ी मतलब है एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन इसलिए है कि हमने जैसे ही ये मामला शुरू हुए थे, जहाँ अभी सिर्फ आगाज़ हुआ था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त से इन इलाकों में अपना रिलीफ का और बाकी सारे काम जो थे। जहाँ तक अलखदमत पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर मैं उसका तकरीबन बताऊँ तो ये 2 अरब से ज़ायद की रकम अब तक हमें 2 दिन पहले तक जो वसूल हुई हर मद में, हम हर इलाके में हमारे पास जो टीमें मौजूद हैं जिसमें लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर हैं, हमारे पास हर फर्द की डिटेल्स मौजूद होती हैं कि ज़रूरतमंद कहाँ मौजूद हैं और किस तरह वो मतलब उनको ज़रूरत है। और जिस तरह ये सैलाब में ये तबाही हुई है, बस्तियों की बस्तियाँ मलियामेट हो गई हैं, तो डोनेशंस के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई 2 करोड़ से ऊपर जो है डोनेशंस आ चुकी हैं, राशन और बाकी चीज़ें उसके अलावा हैं। हमने यहाँ से जो तरतीब रखी है अपने साउथ के, हमारा चूँकि साउथ इन्वॉल्व होता है और हम इसी में काम करते हैं, तो वहाँ हमने शुरू दिन से मेडिकल कैंप्स का आगाज़ किया था, लेकिन अब हमने अपने जो सेंट्रल पंजाब में से भी एक तिबी अमला एम्बुलेंसेस के साथ हमने मंगवाया, जो तौसा, राजनपुर और इन इलाकों में मुस्तकिल तौर पर मेडिकल कैंप्स हमारे जारी हैं, एम्बुलेंसेस वहाँ हैं और डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं 24 घंटे, जो लोगों को रिलीफ का काम वहाँ कर रहे हैं। और वहाँ ज़ाहिर है बीमारियाँ भी इसी हिसाब से फिर पैदा होती हैं, तो अल्लाह ताला मामून रखे। हम इसमें खैमों का इसके बाद कर रहे हैं, राशन का भी, सप्लाइज़ का हमारा काम इसी तरतीब से जारी है। इन इलाकों में सबसे पहले हमारे पास जो डिज़ास्टर में हमारी मोटर लॉन्च थी, मोटर बोट्स थी हमारी या कश्तियाँ थी, वो सबसे पहले हमने 5 जो थी राजनपुर और इस तरफ हमने डिप्यूट की, जो आज भी काम कर रही हैं। फंड्स के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं सामने कि जिसमें लोग अलखदमत के हवाले से ये इस तरह करते हैं, तो मेरी लोगों से सिर्फ ये एक अपील है कि आप जिस तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र ख़ास तौर पर करें तो बैंक अकाउंट्स जो हैं जब आप करते हैं तो बैंक से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई ये अलखदमत के अकाउंट हैं। उसमें कुछ लोगों ने अपने किए हैं, लेकिन हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट का एक सर्टिफाइड अकाउंट है वो बैंक उसकी तस्दीक कर देगा, तो मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इस डोनेशन के हवाले से थोड़ा सा इसमें एहतियात का पहलू अगर मद्देनज़र रखें तो वो हम सबके लिए एक जो है ना इत्मीनान कल्ब का बायस होगा। अपने सब दोस्तों से, भाइयों से, पूरी कौम से ये अपील करता हूँ कि इस रिहैबिलिटेशन और इसके ज़मन में दिल खोल कर आप अतियात दीजिए, अलखदमत के साथ तआवुन कीजिए। अलखदमत का जो एक बेहतरीन निज़ाम है आगे सप्लाईज़ का, हमारे पास हर जगह की लिस्टें और हमारा एक सिस्टम मौजूद है, हमारे साथ तआवुन करते हुए दिल खोल कर आप इसमें शामिल हों। अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए आफ़ियत के मामलात करें।